बढ़ते आगे भारत की सिविल आईएसपी ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल गोरखपुर में हुआ। हालांकि 8 कोच वाली वंदे भारत 3 धार्मिक स्थलों को आने वाले दिनों में जोड़ेगी। देश की वो स्वदेशी ट्रेन जो विदेशों की ट्रेन को टक्कर दे रही है, नाम वंदे भारत। आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी वंदे भारत पटरी पर फर्राटे मार रही है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया। गोरखपुर टू अयोध्या वाया लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार मारी। इस दौरान ट्रेन की स्पीड और बाकी तकनीक पहलुओं की जांच भी की गई। ट्रायल रन के दौरान इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैकेनिकल परिचालन के साथ ही वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक गोरखपुर से वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलाए जाने की योजना है। ये गोरखपुर से सुबह 7 बजे चलेगी और लखनऊ 11 बजे पहुंचेगी। वापसी ये ट्रेन 3 बजे लखनऊ से चलेगी और शाम 7 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। संभावना जताई जा रही है कि इसी ट्रेन को आगे प्रयागराज तक चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अब अयोध्या से होते हुए गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलेगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। अन्य ट्रेनों की बात की जाए तो इसमें फैसिलिटी, पहली बात तो जो है कम समय में आपको यात्रा तय करा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी है। और ये क्या कहते हैं, खाने पीने की चीजें और लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग सारी चीजें, वाईफाई सुविधा और सारी व्यवस्था इसमें एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, इंटरनेशनल ट्रेन के समतुल्य है। रफ्तार की रानी वंदे भारत के रूट पर देखें तो ट्रेन गोरखपुर से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, फिर अयोध्या से लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन को पीएम मोदी 7 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय से ये बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग के लिए ये सुविधा दिए यहाँ लखनऊ से गोरखपुर के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब मैं रास्ते में बोल रहा था कि हर जगह वंदे भारत नई नई चल रही है, अपने यहाँ क्यों नहीं, लखनऊ आखिर राजधानी है, इतने सारे लोग हैं यहाँ। लेकिन इसे सडनली अचानक से मैंने देखा, अभी तुरंत बस इसी वाली ट्रेन से सडनली से देखा, बड़ी मतलब खुशी हुई। ट्रेन अयोध्या जंक्शन से होकर 302 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। अभी रूट पर सफर करने पर करीब 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। मौजूदा समय में ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोंडा जंक्शन से गोरखपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 4 घंटे 35 मिनट में तय करती है, जो सबसे कम वक्त लेती है। इसके अलावा 12557 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। वंदे भारत एक्सप्रेस कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत ट्रेन 100% स्वदेशी है, हाई स्पीड ट्रेन है। ट्रेन में ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। ट्रेन में बायो टॉयलेट मौजूद है। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ट्रेन में इस तरह की सीटिंग है जो कि 180 डिग्री घूम जाती है। लंबे से लंबे सफर अब महज कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट का साधन बन चुकी वंदे भारत ट्रेन नए भारत की पहचान बनकर उभरी है। प्रस्तुतकर्ता